जब मैं ट्वेल्थ में था मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था करंट लाइबिलिटीज इससे ज्यादा पूरे पूरे के पूरे कैश फ्लो में किसी सेगमेंट के अंदर नहीं आती ना ही शेयर कैपिटल के अंदर ना ही नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर ना ही नॉन करंट एसेट्स के अंदर और ना ही करंट एसेट्स के अंदर बिलीव मी बिकॉज इसके अंदर हर एक चीज मे भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में जा रही हो जैसे फाइनेंसिंग में जा सकती है और ऑपरेटिंग में जा सकती है तो मैंने सोचा क्यों ना करंट लाइबिलिटीज अगर एक वीडियो में तुम्हें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और क्लियर कर दिया तो मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा मुद्दा सोल्व कर दूंगा <laughs> जैसा मैं बोल रहा था ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ऐसी चीज है जो बेसिकली तुम किस साइड देखोगे करेंट एसिड साइड देखोगे नोट अकाउंट के अंदर डेटर्स में से माइनस होते हुआ नाउ

अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फुल मार्क्स मिले करंट लाइबिलिटीज में शो करना और बिलीव मी ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ठीक है चलो तो देखो यार 2021 में 30,000 था तुम्हारे पास इसमें पैसा बढ़ ही रहा है 20,000 से पैसा बढ़ाना प्रोविजन एक फंडिंग होती है जहां पर पैसा डाला जाता है तो तीस से अगर पचास हो गया तो भैया बीस प्लस होगा अच्छा तुमने एक चीज यहां ये यह चीज तुमने फॉलो अप की थी लास्ट वीडियो में जब मैंने तुम्हें यह बताया नहीं था कि इंक्रीज को एड करते हैं या डिक्रीज को लेस करते हैं मैंने इतना अच्छे से समझा दिया था कि तुम ऑटोमेटिकली समझ गए होगे कि इंक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया जाता है या डिक्रीज इन करंट एसेट को वैसे डिक्रीज इन करंट एसेट ही ऑब्वियसली और इंक्रीज को लेस किया जाता है लेकिन मैंने ये ना डिस्कस करके भी तुम्हें कितने अच्छे से समझा दिया मुझे इसका वो जो ट्यूनिंग तुम्हारे मेरे बीच बैठी ना मुझे उस पर बड़ा प्राउड फील हो रहा था ठीक है इस पर आते हैं अब यार देखो ट्रेड पीपल्स है जरा ध्यान से देखना यहाँ पे कितनी बड़ी चालाकी है अबाउट द ट्रेड पीपल्स ट्रेड पेबल में दो फिगर दिए हुए हैं एक दिया है वन का और एक दिया है का जो है वो दो हजार इक्कीस का फिगर है मतलब तुम्हारे पास ट्रेड पेबल थे व्यापार में जो तुम्हें पेमेंट कर रहे क्योंकि तुमने गुड्स खरीद रखे थे अरे यार मैं तुम्हारी फैमिली अंग्रेजी लग देता हूं क्रेडिटर्स थे ठीक है ये क्रेडिटर्स तुम्हारे थे दो में साठ के सिक्सटी के और वो 2022 में जाके 140 के हो गए बढ़ गए अब टोटल अगर मैं देखूं कि कितने से बढ़ गए तो मुझे दिख रहा है एट्टी लेके बैठ गए लेकिन आज क्या हो रहा है तुम्हारे पास पहले साठ हजार के ट्रेड पेबल थे अब वन लैख फोर्टी के हैं मतलब एडिशनल एट्टी थाउजेंड के गुड्स इन हो चुके हैं अंदर आ चुके हैं तो उनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू तो होगी उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू तो होगी और वो क्या है तुम्हारा रॉ मटेरियल है तुम्हारा स्टॉक है तो देखो भाई ये अस्सी हजार के गुड्स जो तुम्हारे बिजनेस के अंदर अभी आए हैं फ्यूचर में देना होगा मैं फ्यूचर में करता रहूंगा वहां माइनस जब पेमेंट करूंगा तो बिल्कुल माइनस करूंगा लेकिन अभी के लिए देखो अभी ये अस्सी हजार जो है ये तुम्हारे बिजनेस में इन हो रहा है क्योंकि पहले साठ हजार के ट्रेड पेबल थे के हैं ट्रेड पेबल का बढ़ने का मतलब सिंपल ये है कि उतने के गुड्स हमारे यहां आ रहे हैं उतने की इन्वेंट्री हमारे यहां आ रही है तो यह अस्सी प्लस होगा बिकॉज आ रहे हैं हमारे पास इनटेक है हाँ हार्ड कैश नहीं आ रहा बट इक्वल इक्वल टू कैश वैल्यू आ रही है कोई चीज मेरे पास आ रही है अगर फिर से वही चीज ये पेन मेरे पास आता है तो भाई मैं तो प्लस करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई ना कोई चीज मॉनिटरी वैल्यू की तो आई है तो ये तो पहली चीज हो गई जो तुम्हें समझाना जरूरी है अब जैसे मैं जो आगे चीज तुम्हें समझा रहा था शॉर्ट टर्म बोरिंग जरा देखो जिस दिन ली होगी उस दिन जरूर प्लस किया होगा खुदा कसम प्लस किया होगा क्योंकि उस दिन पैसा आ रहा था लेकिन आज देखो अगर तुम ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है ये देख रहे हो तुम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो एट लोन है ये पचास हजार से घटके दस हजार हो चुका है अब तुमने क्या किया होगा कोई क्राइम किया होगा जिससे यह कम हो गया लोन तुम्हारे ऊपर या फिर कुछ और किया होगा तुमने बिल्कुल कुछ और किया होगा भाई पचास हजार से दस हजार हो रहा है तो मतलब कुछ तो हुआ होगा यानी तुमने पेमेंट किया होगा कितने का पेमेंट किया होगा कम कैसे हुआ पेमेंट करने से कितने का फोर्टी थाउजेंड का माइनस होगा यह सीधी सी बात है, इतना सिंपल लॉजिक चलता है फिर आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अच्छा ये तो बताया नहीं बताए थे ऑपरेशन uh, रिलेटेड है, है ना? इनका, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं फर्क पड़ता है कि ये किस तरह की एक्टिविटी है जैसे बोरो करना विल ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से

दस हजार तुम्हारे खाते से निकाले चालीस हजार अपनी तरफ से मिलाए बैंक ने और उसको पेमेंट कर दिया उस बंदे को तुम्हारी गुड़विल बच गई क्योंकि तुम्हें जेल भी हो सकती थी तुम्हें मालूम है अगर चेक बाउंस हो जाए तो आज के टाइम पे जेल हो सकती है तुम्हें तो बैंक ने तुम्हें बचा लिया क्यों क्योंकि तुम्हारा पिछला 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत रहा है तो तुम्हारे बैंक खाते का बैलेंस चला गया माइनस फोर्टी थाउजेंड तो एक तरह से यहां पे बैंक ने तुम्हें लोन ही दिया है बैंक ने तुम्हें उधारी ही दी है भले बहुत शॉर्ट टर्म क्रेडिट है लेकिन बैंक तुम्हें उधारी देके बैठा हुआ है मैंने भी यहां पे तुम्हें यही समझाया बैंक ओवरड्राफ्ट जो है तुम्हारे पास साठ का था साठ का खुला हुआ था ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट वो बढ़ के वन लाख ट्वेंटी का हो गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे बढ़ा होगा क्योंकि बैंक ने तुम्हारे खाते में पैसा डाला होगा एहसान किया होगा हो तब जाके तुम्हारे खाते में ये पैसा बढ़ा। अगर बैंक पेमेंट में यूज हो गया कुछ भी हो गया लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट तो बढ़ रहा है ना मतलब बैंक ने तुम्हें लोन तो दिया ना उससे क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ने का मतलब हो गया तुम्हारे पास पैसा आया कितना एक लाख बीस हजार बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू पैसा आया भाई प्लस होगा प्लस हो रहा है किस में जाएगा फाइनेंसिंग में जाएगा क्योंकि ये एक तरह का फाइनेंस है बैंक से जो तुम, तुम कराते हो तुम्हारे बिना पूछे बैंक तुम्हें करके दे देता है ताकि तुम्हारी इज्जत बच जाए और तुम जेल ना जाओ विजय माल्य दूसरे वाले तुम ना बन जाओ आगे बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता कुछ नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स होता है और प्रोविजन फॉर टैक्स जो है उसका ट्रीटमेंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और भाई तुम्हारा जब बताएगा ही जब पूरा क्वेश्चन सोल्व कराएगा तो टेंशन मत लो ये तो मैं वैसे भी तुम्हें बताने वाला हूं अल्टीमेटली बात क्या पता चलती है इट्स नॉट अबाउट डूइंग द होल क्वेश्चन एंड नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट कि तुम्हारा करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का गेम कितना स्ट्रॉग है इक्विटी कितना स्ट्रांग है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स कितना स्ट्रॉन्ग है अगर तुम्हें वो सब समझ में आ गया तुम्हारा माइंडसेट सेट खुलते से ही बोलता है कि इक्विटी यानी शेयर कैपिटल आता है सीधे किस में फाइनेंसिंग में तुम्हारा नॉन करेंट लाइबिलिटी आता किसमें है सीधे फाइनेंसिंग में तुम्हारे करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी आते किसमें है जनरली ऑपरेटिंग में नहीं तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग वो फिर मैं वो लॉन्ग टर्म बात हो गई फिर और लास्टली तुम्हारे नॉन करंट एसेट्स सारे के सारे आते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर अगर तुम्हारा ऐसा परसेप्शन बन गया स्टेप बाय स्टेप अगर तुम्हें क्वेश्चन याद हो गया कोई तुम्हारा बाल भी बाका तो नहीं बोलूंगा कोई तुम्हारा एक भी मार्क नहीं काट सकता है व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नॉट अबाउट न्यूमेरिकल्स नॉट अबाउट फिगर्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद तो